Welcome guys, how to install Windows Dell Precision Tower 5810। आपको इसमें विंडो इंस्टॉल करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप बताऊंगा कि आप कैसे इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास डीवीडी है या पेन ड्राइव है बूटेबल, वो आप सिस्टम में लगा लें, अपने पावर कनेक्टेड और वीजीए पॉइंट अपना सारा कनेक्ट कर लें। फिर मैं इसका पावर का बटन ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने इसके पावर का बटन ऑन किया है। बायोस मेरे सामने खुल चुका है। अभी आपको जो बूट करने से पहले ना, इसमें आपको क्या करना क्या है, जब ये सिस्टम आपका ऑन होगा, अभी मेरा सिस्टम ऑन होता है, तो आपको पहले F12 प्रेस नहीं करना है। ये डेल का प्रिसीजन है, आप इसमें जो F2 में जाएं, पहले बायोस सेटिंग में जाएं। मुझे पता है इसमें आप विंडो इंस्टॉल करोगे तो क्या एरर आएगा, तो उसी पर्पज़ से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप पहले बायोस सेटिंग में जाएं, फिर वहाँ जाके इसकी सेटिंग को चेंज करें। डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही, ये आ गई डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको F2 प्रेस करना है, आपको बूटिंग में नहीं जाना, पहले आपको जाके F2 में जाना है। F2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है, ये आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन बूट सीक्वेंस, आपको बूट सीक्वेंस में जाना है दूसरे नंबर पे। ये मैं माउस से दिखा देता हूँ आपको, ये बूट सीक्वेंस में जाएंगे आप, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो है, अगर ये UFIE है तो आप इसे लेजेंडरी में कन्वर्ट कर दें। लेजेंडरी में कन्वर्ट करने के बाद इसे आप अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद इसे एग्जिट कर दें। एग्जिट करने के बाद आप इसे, अब अगर आप इसको F12 दबाना यहाँ पे आपको, आप चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है वर्क स्टेशन लैपटॉप है, मैं अभी तभी मैंने बोला कहाँ गया डिस्प्ले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है तभी डिस्प्ले आएगी इसकी। तो अब जब डिस्प्ले आती है इसकी, तो अब मैं F12 प्रेस करूँगा यहाँ पे, ये मेरा बूटिंग उसमें जा चुका है। तो यहाँ पे अब मेरा दूसरे नंबर पे USB दिखा रहा है, मैं ये USB सिलेक्ट कर लिया, मैंने स्टोरेज डिवाइस, अब मैं यहाँ एंटर मारूँगा। अब जो है मेरी विंडो आगे प्रोसेस हो चली है, जो इसमें पहले एरर आ रहा था इस सिस्टम के अंदर जो पहले एरर आ रहा था कि नो फाउंड बूटेबल डिवाइस, तो आप इसे सेटिंग करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा, आपकी जो विंडो है आगे मूव हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जाके उसे बस लेजेंडरी में जाके उसे सेव करना है और आपकी विंडो प्रॉपरली चल पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है कि एनी प्रॉब्लम फेस आउट, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं कि आपको टावर 5810 में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये मेरी विंडो आगे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दें, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने कमेंट में भी दे रखा है मेरा नंबर, माई मोबाइल नंबर, तो वहाँ जाके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और कमेंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी दे देना। यहाँ पे आपकी दो हार्ड ड्राइव दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों हार्ड ड्राइव में जो है विंडो इंस्टॉल नहीं करनी, ठीक है, पहले आपको सिलेक्ट करना है न्यू, आप इसे अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पार्टीशन बनाना है इसमें 1TB के अंदर, तो आप पार्टीशन बना लें, ठीक है, अगर नहीं बनाना तो फिर कोई बात नहीं। ये आप इसे डिलीट करें, पहले डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट, ये डिलीट है पहले से, आप इसको न्यू में जाके इसे अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद इसे नेक्स्ट कर दें। ये जो पार्टीशन है आप अंदर जाके इसे अप्लाई कर देना, वहाँ जाके इसे क्रिएट करना, ठीक है। अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, इसमें जो है मेरी विंडो स्टार्ट आगे ले चुकी है, इसने यहाँ पे पहले पार्टीशन नहीं लिया, तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर दें, और जो आपको अगर वहाँ पे हार्ड ड्राइव शो नहीं कर रहा है, तो आप माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक प्रेस करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो वहाँ डिवाइस मैनेज में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो दूसरी वाली हार्ड ड्राइव का पार्टीशन था वहाँ शो होगा, तो उस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाके उसे क्रिएट कर देना, तो वहाँ जाके जो है आपकी दूसरी हार्ड
पार्टीशन जो है, जो डी ड्राइव है आपका, वो वहाँ से शो हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स।